हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम बात करें हिरायामा डिजीज के बारे में। हिरायामा डिजीज को हम MMA मोनोमेलिक हेमाटोट्रोपी के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले ये 1959 में जापान में किंजो हिरायामा ने इसे रिकोगनाइज किया, यानी इसे पहचाना। फ्रेंड, यह डिजीज एडोलेसेंट यानी ज़्यादातर जो 15 से 25 साल के लड़के रहते हैं उनमें पाई जाती है, और ये ऐसे भी मेल में पाई जाती है। हिरायामा डिजीज जो हमारे सर्वाइकल की कंडीशन होती है, हमारे जो सर्वाइकल होता है, सर्वाइकल सी शेप से हमारा आकार होता है, जो कि यह फ्लेक्शन पोजिशन में चला जाता है। उसकी वजह से फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन रहती है, स्पाइन में हमारे कंप्रेस होता है, उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। और फ्रेंड, ये जो बीमारी होती है, ये स्लो प्रोग्रेशन होता है, यानी ये धीरे 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 बढ़ती है। तो इसी बीच इसमें हमें इस बीमारी को रोकने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, जो कि आपके जैसे कि हम आगे बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। और फ्रेंड, साथ ही यह बीमारी 5 से 10 साल में स्वतः ही अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन वह डैमेज तो कर बैठती है। अब बात करेंगे इनके सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। जब किसी को इस तरीके का डिजीज हो जाए तो उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर आपको राइटिंग प्रॉब्लम होती है। राइटिंग प्रॉब्लम होने के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस करना शुरू करता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज़ को पकड़ने में भी आपको यानी होल्ड करने में भी तकलीफ होने लगती है। फ्रेंड, यह धीरे धीरे डिस्टल टू प्रोक्सिमल की ओर बढ़ती है, यानी जैसे सबसे पहले आपके हाथों से स्टार्ट होगी, उसके बाद में आपके फोरआर्म, उसके बाद में जैसे हमारे बाइसेप है, ट्राइसेप है, शोल्डर है, इस तरह से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू करती है। फ्रेंड, ज़्यादातर ये हमेशा सबसे पहले एक हाथ से स्टार्ट होती है, उसके हाथ में देन धीरे धीरे दूसरे हाथ में भी चली जाती है। उसके अलावा जैसे आपका हाथों का पतला पड़ना, आपके जो पाम होते हैं, पामों में ज़्यादातर पसीना आना। फ्रेंड, हिरायामा डिजीज़ में जैसे कि आपके दोनों पैरों के कमज़ोर होना, उसके अलावा आपका सेंसेशन जैसे हाथ लगाने पर आपको महसूस होता है कि मेरा सेंसेशन है, जैसे कि दूसरी बात हम बोलें सुनपन, या फिर जैसे कि बोवेल ब्लैडर लैट्रिन पेशाब का आना, तो इस डिजीज़ के अंदर इनमें कोई समस्या नहीं होती, यानी आपकी ब्लेडर बोवेल वाली भी समस्या नहीं होती है, आपके दोनों पैर भी कमज़ोर नहीं पड़ते और सेंसरी यहाँ पर जैसे सेंसरी सुनपन वगैरह इस तरह से चीज़ें नहीं आती है। बात करें डायग्नोस में, तो सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि कुछ अदर डिजीज है जो कि इससे सिमिलर होती है, तो उनसे भी डिफ्रेंस करना जरूरी होता है। जैसे कि एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस जिसे हम बोलते हैं ALS, उसके अलावा स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाना, तो उसे भी डिफ्रेंशिएट करना है। उसके अलावा पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, उसके अलावा जैसे कि सिंजोमाइलिया हो जाता है, तो उनसे भी हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। अब फ्रेंड, बात करें कि पर्टिकुलर डायग्नोस आप किस तरह से होगा, जो कि फ्रेंड सबसे पहले आप जैसे भी आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखाते हो या न्यूरोसर्जन को दिखाते हो या न्यूरोफिजिशियन को दिखाते हो, तो उस तरह के सिम्टम्स देखने के बाद में वो आपको सजेस्ट करते हैं MRI के लिए, क्योंकि वहाँ पर MRI में आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है। MRI में आपके नेक जो हमारी रहती है वो फ्लेक्शन पोजिशन में दिखाई देती है, और वहाँ पर प्रोमिनेंट यानी हमारा जो एपिडूरल रहता है, एपिडूरल प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है, और वहाँ पर जो हमारा पोस्ट ड्यूरल सेक होता है वो कंप्रेस होता है, यानी एक तरह से आपके स्पाइनल कोड का कंप्रेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो हमारी न्यूरॉन्स निकलती है, जो हमारे हाथ को सप्लाई करती है, वो कंप्रेस होने की वजह से इस तरह की समस्या बनती है, जैसे आपका हाथ का ठीक तरह से राइटिंग नहीं कर पाना, किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर पाना, तो इस तरह की समस्या इस तरह से बनती है, जो कि धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेशन उनका होता रहता है। फ्रेंड, बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो यहाँ पर आपको सर्वाइकल कॉलर के लिए एडवाइस किया जाता है, जिससे आपका जो नेक है उसमें ट्रैक्शन मेंटेन रहे और ज़्यादा डिफॉर्मिटी होने से आपको बचाया जा सके। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर कोई भी ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है जो कि आपको एक दवाई के रूप में दिया जाए जिससे यह बीमारी को ठीक किया जा सके। फ्रेंड, उसके बाद में बात करें सर्दी, अगर ज़्यादा समस्या आपके बनती है तो वहाँ पर एक सर्जरी आपका ओपिनियन बनता है, जिसमें ओपन सर्वाइकल सर्जरी की जाती है और वहाँ पर आपका स्क्रू के द्वारा उसे फिक्स कर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर फिजियोथेरेपी की बात करें, फिजियोथेरेपी यहाँ के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, जो कि आपके पोस्ट ऑपरेटिव यानी सर्जरी के बाद और सर्जरी से पहले भी आपको करवाना जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड फिजियोथेरेपी के द्वारा जैसे कि आपके मसल से मसल को स्ट्रेंथ किया जा सके, उसके अलावा जो आपका नेक है नेक के पोजीशन को मेंटेन किया जा सके, और वो भी उसके अलावा जैसे कि स्ट्रेचिंग होती है उनका भी यूज़ किया जा सके, जिससे आपको
इस बनने वाली समस्या को कभी कई हद तक रोका जा सके, क्योंकि जैसे ही हम बात कर चुके हैं कि 5 से 10 साल तक इसका स्लो प्रोग्रेशन होता है। इस बीच में अगर आप अच्छा मेंटेन करके रखते हैं तो हो सकता है कि आप इस डिजीज से बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है जैसे कि आपका जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड कितना डैमेज हुआ। फ्रेंड, यह था हमारा हीरा एमआई डिजीज के बारे में। अगर फ्रेंड आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर में आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। आप कॉल नहीं करें, आप सिर्फ अपना व्हाट्सएप पे आपका अपॉइंटमेंट बुक होगा, जिसकी आपको एक छोटी सी फीस पे करनी होती है। उसी के बाद आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।